चुनाव हम सभी चुनाव में हैं। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते मझगांव विधानसभा क्षेत्र में किन किन विषयों को लेकर के जब हम को लेकर के हम आएंगे उस विषय के विषय पे आज हम थोड़ा प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबों के माध्यम से आम जनता के लिए जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सारे लोगों का इच्छा रहता है कि नहीं हमारा प्रत्याशी कौन कौन सा काम को लेकर के कौन कौन सा मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। तो हम लोग ने हमारा जो घोषणा है कि जो राज्य और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस योजनाओं को जमीन में उतारने का भरपूर हम लोग प्रयास करेंगे। और दूसरा जो सबसे उस दिन माननीय इस राज्य के सह चुनाव प्रभारी और आसाम के मुख्यमंत्री ने भी आप सबों के बीच में प्रेस के माध्यम से आम जनता को बताने का काम किया, जो सरना धर्म सरना कोड है सरना कोड, उसके बाद औरंगचित्ती लिपि जो हो हमारा 8वीं अनुसूची में उसको शामिल करने के लिए और सरना धर्म कोड को लागू कराने के लिए हम इसको भरपूर प्रयास करेंगे सरकार बनने के बाद। और जैसे मझगांव विधानसभा जैसे जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से इस विषय को हम लोग बहुत जोरदार ढंग से उसको हम लोग रखेंगे। और आप देखेंगे क्षेत्र में जिस तरह से गरीब छात्र वहाँ के आदिवासी दबे कुचले बच्चे पढ़े अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करें इसके लिए भारत सरकार की ओर से जो पूर्ण हो चुका है एकलव्य विद्यालय, जो अधूरा है जो अभी पूर्ण तक चालू नहीं हुआ प्रारंभ नहीं हुआ उसको निश्चित रूप से हम लोग प्रारंभ करेंगे। जिस तरह से देखेंगे सिलफुंजी में भी बन के कम्प्लीट है तांतगढ़ प्रखंड का और मंझारी में भी एकलव्य विद्यालय कम्प्लीट है और मझगांव में भी कुमारडोंगी सबसे पहले प्रारंभ। लेकिन आज भी भारत सरकार ने बिल्डिंग बना दिया लेकिन संचालन राज्य सरकार को एजेंसी नियुक्त करके चलाना है, अभी तक वो बंद पड़ा है। उसको शीघ्र हम लोग उसको एजेंसी नियुक्त करके उसको चलवाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। और देखेंगे यहाँ पे पिछले 5 वर्षों से मझगांव विधानसभा क्षेत्र के मझगांव प्रखंड में रेफरल हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ है लेकिन 5 वर्षों पे एक कुदाल भी नहीं चल पाए। और काटबारी में देखेंगे अर्थनिर्मित मतलब अधूरा हॉस्पिटल है, आज भी अधूरा है, मैं वहीं से आ रहा हूँ, 2008 से प्रारंभ हुआ लेकिन आज भी अधूरा है। इस क्षेत्र के विधायक श्री निरल पूर्ति के घर के सामने दरवाजा के सामने आज भी अधूरा पड़ा है। ऐसे अधूरा पड़ा हुआ विद्यालय हो चाहे हॉस्पिटल हो उसको निश्चित रूप से हम लोग पूर्ण करवाएंगे और उसमें जो भी जरूरत चीज़ है जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर हो चाहे आपका नर्स हो जो भी नर्स स्टाफ का जरूरत हो उसको हम लोग निश्चित रूप से उसको हम लोग नियुक्त करवाएंगे और स्थानीय स्तर पर लोगों को इलाज का लाभ मिले। और पेयजल का आप देखेंगे भारत सरकार ने हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर में नल योजना के नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का प्रयास हो, आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी योजना यहाँ प्रारंभ हुआ। तानगर प्रखंड में देखेंगे कड़काई नदी से 100 करोड़ का योजना प्रारंभ किया लोग, 5 साल से अभी चल रहा है काम, आज भी एक बूंद कोई एक घर में नहीं गया। ऐसे जो नल जल योजना है पानी के जो नल के माध्यम से पानी पहुंचाना है उसका भी हम लोग निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कई ऐसा सड़क है जो हमारे पास इतना पैसा है इस जिला में कि सरकार से हमको जरूरत भी नहीं है लेकिन हम हमारे जिला में DMFT के नाम से इतना पैसा है हम अच्छा अच्छा एक हॉस्पिटल चला सकते हैं मतलब अच्छा स्कूल चला सकते हैं। इसलिए जितने भी सड़क अधूरा है जो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है ऐसे सड़कों को भी हम लोग शीघ्र बनवाने
2024 का विधानसभा चुनाव हम सभी चुनाव में हैं। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते मझगांव विधानसभा क्षेत्र में किन किन विषयों को लेकर के जब हम को लेकर के हम आएंगे उस विषय के विषय पे आज हम थोड़ा प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबों के माध्यम से आम जनता के लिए जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सारे लोगों का इच्छा रहता है कि नहीं हमारा प्रत्याशी कौन कौन सा काम को लेकर के कौन कौन सा मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग ने हमारा जो घोषणा है कि जो राज्य और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस योजनाओं को जमीन में उतारने का भरपूर हम लोग प्रयास करेंगे। और दूसरा जो सबसे उस दिन माननीय इस राज्य के सह चुनाव प्रभारी और आसाम के मुख्यमंत्री ने भी आप सबों के बीच में प्रेस के माध्यम से आम जनता को बताने का काम किया, जो सरना धर्म सरना कोड है सरना कोड, उसके बाद वरंग चिति लिपि जो हो हमारा 8वीं अनुसूची में उसको शामिल करने के लिए और सरना धर्म कोड को लागू कराने के लिए हम इसको भरपूर हम प्रयास करेंगे सरकार बनने के बाद। और जैसे मझगांव विधानसभा जैसे जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से इस विषय को हम लोग बहुत जोरदार ढंग से उसको हम लोग रखेंगे। और आप देखेंगे क्षेत्र में जिस तरह से गरीब छात्र वहाँ के आदिवासी दबे कुचले बच्चे पढ़े अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करें इसके लिए भारत सरकार की ओर से जो पूर्ण हो चुका है एकलव्य विद्यालय, जो अधूरा है जो अभी पूर्णतः चालू नहीं हुआ प्रारंभ नहीं हुआ उसको निश्चित रूप से हम लोग प्रारंभ करेंगे। जिस तरह से देखेंगे सिलफुंजी में भी बन के कम्प्लीट है तांदगर पर